टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थाईलैंड ट्रिप के बारे में, थाईलैंड ट्रिप को प्लान कैसे करना है और उससे जुड़े सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेनली तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट है फ्लाइट टिकट बुक करना, सेकेंड है वीज़ा और थर्ड है करेंसी। तो ये चीज़ों हम लोग डिटेल्ड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं पहले सेक्शन की तौर, जो कि है फ्लाइट बुकिंग। तो हम अब डिस्कस करते हैं फ्लाइट्स के बारे में। दोस्तों फ्लाइट्स जो आपको बुक करनी है, आपको जिस शहर से जाना है बैंकॉक, उस शहर के आप देख सकते हैं। तो मेनली दो सर्च इंजन है, जो एक है skyscanner.com और दूसरा है kayak.com। तो मैंने सुना है कि, और बहुत लोग आपने भी सुना होगा कि skyscanner से सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। सस्ती फ्लाइट आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें कुछ भी बाउंडेशन होंगी। जैसे मैं skyscanner से देख रहा था, तो मुझे एक फ्लाइट मिल रही थी हैदराबाद से बैंकॉक की, तो सबसे सस्ती हुई दिखा रही थी। तो मैंने वो जब बुक करना चाहिए अपने नोकिया की वेबसाइट से, तो उसमें बैगेज का रजिस्ट्रेशन था। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको जो भी फ्लाइट सस्ती मिल रही होगी ना, उसमें आप एक चीज़ जरूर देख लेना, जब आप बुक कर रहे होगे उस साइट से, तो आपको दिखेगा कि उसमें बैगेज बस 7 kg अलाउ है। दोस्तों जब हम लोग कहीं फॉरन जा रहे हैं, तो 7 kg बहुत ही कम होता है, राइट। तो आप अगर फ्लाइट वो एक्स्ट्रा बैगेज लेंगे भी, तो वो भी एक जो फुल सर्विस एयरलाइन है उसके बराबर हो जाएगा। तो आप ना देख लें कि आपकी क्या बैगेज, क्या उसका वेट होने वाला है, उसी हिसाब से फ्लाइट बुक करें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन तो चलिए आप skyscanner से और kayak.com से ले लीजिए या गूगल फ्लाइट से ले लीजिए, बट जो फ्लाइट अपनी बुक कराइएगा वो एयरलाइन की साइट से कराइएगा। मेन रीज़न ये है कि एयरलाइन से साइट से बुक कराने का, कि जब भी आपको कैंसिलेशन कुछ करना हो, कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको फ्लाइट कैंसिल करनी है या आपको फ्लाइट पोस्टपोन करनी है या प्रीपोन करनी है, तो अगर आप एयरलाइन की साइट से कराते तो आपको ईजी रहता है। क्योंकि कुछ अगर इशूज़ आते हैं, आप एयरलाइन को कॉल करते हैं तो वो बोलेंगे भाई आपने फ्लाइट तो थर्ड पार्टी से कराई या उनसे बात की, तो वहाँ से कुछ इश्यूज हो जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हमेशा फ्लाइट आपको भले ही सस्ती मिल रही हो, 100-200 रुपये, 700 रुपये सस्ती, अगर आपको मिल भी रही है दूसरे वेबसाइट पर जैसे gofair.com या gia.com, तो उससे अवॉइड कीजिए और मेनली अपनी फ्लाइट हमेशा वेबसाइट एयरलाइन की वेबसाइट से ही कराइए, ठीक है। तो ये होगी फ्लाइट की बुकिंग। तो मैं बस इन्फॉर्मेशन को बता दूं, बैंकॉक में दो एयरपोर्ट है, एक है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट और दूसरा डॉनमेंग एयरपोर्ट। डॉनमेंग एयरपोर्ट है जो वहाँ पे आपको जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं जैसे कि नोकिया जो मैंने अभी बताया और एयर एशिया, वहाँ के फ्लाइट्स डॉनमेंग में जाते हैं। तो आप कोई भी फ्लाइट वो एयरपोर्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या आपके बजट डिपेंड करता है कि आपका क्या रेट आ रहा है। तो नॉर्मली जो फ्लाइट्स होंगी लो कॉस्ट में तो थोड़े सस्ते होंगी, तो डॉनमेंग में आएंगी, तो उसमें आप आराम से बुक करा सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कि वीजा। तो वीजा के लिए दो ऑप्शन है, एक है वीजा ऑन अराइवल और दूसरा है ई वीजा। तो थाईलैंड के लिए, इंडियंस के लिए ई वीजा का ऑप्शन मेरे हिसाब से का बेस्ट है। रीजन, आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, लेकिन जब ऑन अराइवल आप जाएंगे, मतलब कि जब आप फ्लाइट लेके बैंकॉक पहुंचेंगे, वहाँ पे जब आपको लाइन लगनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा और फिर आपको पूरे फॉर्म भरने पड़ेंगे, फोटो लगाने पड़ेंगे, वो सब झंझट से दूर अपने रहिए, नहीं तो पूरा टाइम आपका 1-1.5 घंटा आपको वहीं पे लग जाता है। क्योंकि पहली बार तो लाइन बहुत बड़ी होती है वीजा अराइवल में, और वहाँ पे फिर आपको मान लीजिए आपके पास गम नहीं है, पेस्ट करना है, स्टेपल करना है, ठीक है, तो कैश नहीं है, वहाँ पे आपको कैश मांगते हैं, तो जो वीजा फीस होती है, तो उसमें भी आपको थाई बाग पैरिस ले जाना पड़ेगा, ये सब आपको झंझट आएंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने वीज़ा अराइवल ई वीज़ा लिया था VFS की वेबसाइट से। तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके बुक कर सकते हैं अपना ई वीज़ा। तो ई वीज़ा में क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले देनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लाइट टिकट, आपका होटल और कुछ एक फोटोग्राफ और पासपोर्ट का जो कॉपी है, वो आप जब आप VFX साइट पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पे आपको उसमें कहेगा कि 2-3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन मुझे 8 घंटे में आ गया था। तो वीज़ा आपके पास पहले से हो जाएगा, तो आप जब जाएंगे एयरपोर्ट पे, जब थाईलैंड पहुँचेंगे, तो मैं बता रहा हूँ जब मैं गया था वहाँ पे एक आदमी भी नहीं था। तो मैं जैसे गया, मैं काउंटर पे ई वीज़ा के काउंटर में गया, अपना पासपोर्ट करवाया, उन्होंने वीज़ा चेक किया और बोला ओके इमिग्रेशन मेरा डन। तो इतना ईजी होता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि बैंकॉक के पहला बैंकॉक जाने से पहले अपना ई वीज़ा पहले ले लें, और ये रखें कि चलो बाद में ले लेंगे, कि चलो ऑन अराइवल ले लेंगे, तो थोड़ा पैसा बचाने के में भी 200
300 माल बचते होंगे, थोड़ा पैसा बचाने के लिए आप इतना झंझट लेंगे, 300 खर्चा उसी में आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जो कि है करेंसी। दोस्तों जैसे आपको पता होगा, थाईलैंड में जो करेंसी है वो चलती है थाई बात, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं THB। तो आज के टाइम और अभी के टाइम पे 1 रुपया अपना जो इंडिया का वो अराउंड 1 THB इक्वल टू 2.6 रुपीज बनता है। तो उसके हिसाब से, करेंसी के हिसाब से आप करेंसी पहले ले लें, और जितनी भी करेंसी है कुछ करेंसी आप लेके जाएं, क्योंकि जैसे फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैं नोकिया फ्लाइट से गया था तो मुझे कुछ खाने को था, तो वो लोग करेंसी जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो थाई बात ही था। तो आपके पास अगर करेंसी पहले से ही होगी तो आपको ईजी रहेगा, तो आप कुछ खा सकते। तो मेरे पास करेंसी थी पहले, तो मुझे जैसे भूख लगी थी खाने को, ठीक है, पानी पीना, तो वो पानी भी चार्जेबल होता है, तो मैं पहले मेरे पास थाई बात था, तो मेरे लिए ईजी था करना। और करेंसी आप कहाँ से लें, आपको दो ऑप्शन हैं या मल्टीपल ऑप्शन हैं। एक है फॉरेक्स, बुक माई फॉरेक्स से आप करेंसी ले सकते हैं, वो ऑनलाइन ही पूरा। तो आप जस्ट फॉर्म भरिए, अपना रुपए पे कीजिए, और वहाँ से आपको करेंसी आपको डोर स्टेप में देने आ जाएगी, ठीक है। एक है बैंक से, तो आप बैंक से भी ले सकते हैं। बैंक में आपको रेट शायद थोड़ा उतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन बैंक में आपको करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। और जहाँ भी आप रह रहे हैं, मे बी जैसे बॉम्बे रह रहे हो, चाहे दिल्ली हो, हैदराबाद हो, तो आप हमें पता कर लें बैंक से कि एक्चुअली किस ब्रांच में करेंसी मिल रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं किसी ब्रांच में गया, वहाँ पे आपको बोला गया नहीं यार हमारे पास तो अभी थाई बात है नहीं, तो दूसरे बैंक में चाहिए, तो इन सब में टाइम बहुत वेस्ट होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। तो पूरा बैंक चेक कर लें कि कहाँ से करेंसी मिलेगी, और उसी जगह करेंसी जाएँ और करेंसी अपनी एक्सचेंज कर लें। और तीसरा मैं एक और चीज़ रखूँगा, करेंसी के साथ साथ अपने साथ कुछ फॉरेक्स कार्ड भी ले जाइए। तो फॉरेक्स कार्ड आप या तो बुक में फॉरेक्स से ले सकते हैं, या तो आप अपने इंडिविजुअल बैंक से ले सकते हैं। तो फॉरेक्स कार्ड की ये विशेषता है कि आप उसमें जैसे अपनी थाई बात करेंसी लोड कर लीजिए, वहाँ जाएंगे आप, सपोज आपने 2500 थाई बात लोड करा ली, तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो जस्ट अपने कार्ड स्वाइप कीजिए और वहाँ से करेंसी वो हो जाएगी। तो एक चीज तो मैं जो सजेस्ट करूँगा, पूरा मिक्स लेके जाइए, जैसे अपने साथ थाई बात भी ले जाइए, इंडियन करेंसी भी ले जाइए, ताकि वहाँ जाके एक्सचेंज करना पड़े आपको, अगर जरूरत पड़े तो करा लीजिए, और कार्ड ले जाइए। तो मैं तीनों चीज़ ले गया था अपने साथ, थाई बात करेंसी भी ले गया था, कुछ करेंसी मैं इंडियन रुपीज़ में ले गया था, और जो जहाँ पे मैंने एक्सचेंज भी कराई जब मुझे लगा कि कुछ ज़रूरत है, क्योंकि मेरे थाई बात कम पड़ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे बहुत सी हर जगह बैंकॉक में या फुकेट में हर जगह आपको करेंसी एक्सचेंज काउंटर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और कार्ड तो मैं ले गया था, और ATM में ले जाइएगा, ATM से आपको चार्ज होगा, तो आप डायरेक्टली बैंक से लगा ले सकते हैं। अब करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए वहाँ पे सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं करेंसी लेके गया, जब आपको जैसे इंडियन करेंसी आप ATM से निकालते हैं या बैंक से लेते हैं, तो आपको 500 की जैसे करेंसी ले जाएंगे, 500 के नोट्स की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वहाँ जाके जब आप वहाँ पे जाके एक्सचेंज कराएंगे बैंकॉक या में, तो दे विल चेक कि उसमें कोई सिग्नेचर तो नहीं है, उसमें कोई पेंसिल तो नहीं है, वो हल्का सा भी जो नोट अगर कटा होगा ना, तो आप करेंसी लेंगे नहीं। तो ये मुझे बहुत दिक्कत आई थी, जो मैं कुछ ले गया था 10,000 रुपये, तो उन्होंने जब मैंने कुछ दिया 3-4 हज़ार की, मैं सोचा एक्सचेंज करा लूँ, तो वो देख रहे थे कि ओके इसमें तो पेन है। मैंने कहा कि मैडम पेन से कुछ इशू होता नहीं, अपने इंडिया में तो हम लोग पेन से इशू होता नहीं कि करेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी, बट वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो भी आप नोट ले जाइएगा वहाँ पे, तो देख लीजिएगा कि जो नोट है बहुत उसमें कहीं कटा विटा तो नहीं है, कुछ मार्क तो नहीं है, तो पूरा प्रॉपर ले जाइए, क्योंकि वो पूरा चेक करते हैं तभी देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पता चली, ये चीज़ मेरे साथ एनकाउंटर हुआ, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप करेंसी अगर 10,000 ले गए, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है, मान लीजिए 4,000 में आपको कुछ ना कुछ उन्होंने इशू निकाल दिया कि ये फटा है, हल्का तो मोड़ा हुआ है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी जर्नी जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, फ्लाइट्स कैसे बुक करनी है, और वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, और करेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो ये चीज़ें अगर जो भी मैंने आपको बताया है, आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उसमें क्या आपको मतलब कोई अगर परेशानी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये चीज़ों को गाइडलाइन फॉलो करके आप अपने थाई एंट्री बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।